हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो अभी ना 11 से पहले जितनी सब लोगों की अभी भी शादियां हुई हैं और मेरे कई सारे पहचान वालों की प्लस कई सारे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कई सारी रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी कि एक बिगिनर साड़ी ट्रेप बताओ, क्योंकि फिर से नई लड़कियां आ रही जिन्हें साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आ रही है। हाय एवरीवन, तो ना मैं मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से एक्चुअली ना मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो सॉन्ग प्ले कर लेती हूँ। एक्चुअली ना थोड़ा सा मूड अच्छा रहता है इससे और मन लगा रहता है काम में। तो अब जब मैं वॉइस ओवर अभी जब मतलब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी उस टाइम पे मैंने देखा कि यार सोनू निगम तो कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला रहे हैं, तो कॉपीराइट का आ सकता है। फिर भी मैंने आगे का थोड़ा सा छोड़ दिया कि देखती हूँ अगर कॉपीराइट का आएगा मे भी मुझे ये वीडियो फिर से अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन खैर अब ये सब बातों को साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिगिनर साड़ी ड्रेपिंग। अभी कई सारी लड़कियों की शादी हुई है तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि चलो शायद उन्हें इतना साड़ी ड्रेपिंग इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं आती होगी, क्योंकि मोबाइल में देखना इंस्टाग्राम पे एक मिनट में देखना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब पहनने के लिए लड़कियां खड़ी होती हैं तो उन्हें इतना समझ में नहीं आ पाता है। और ये मैं ना एक और एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं रेगुलर वीडियो बनाती हूँ, झलक परमानेंट मुझे शूट करती है, लेकिन फिर भी झलक कभी अपने आप से साड़ी नहीं पहन पाती जबकि वो मुझे रेगुलर देखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाकी लड़कियों के संग भी ऐसे ही होता होगा। तो चलिए अब हम अपनी ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। पहले बात करती हूँ अपनी साड़ी की। तो ये वाली साड़ी मैं इससे पहले ग्रीन साड़ी हॉल लेके आई थी, उसमें दिखा चुकी थी, इस साड़ी की स्टाइलिंग भी बता चुकी हूँ। और अब मैंने अपना कैमरा इस तरीके से कर लिया जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी साड़ी थोड़ी सी लंबी है तो आपको अपनी बेली बटन से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ साड़ी को रख के तब स्टार्ट करना है इसको ड्रेप करने के लिए। इतनी बड़ी साड़ी आप बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे। मैं ये जो साड़ी पहन रही हूँ बहुत ज्यादा बड़ी है, 600 या 650 की साड़ी और अमेजन की साड़ी है। तो मतलब मैं तो कहूंगी अगर आप वर्किंग वुमेन है तो और अगर आप रेगुलर में साड़ी पहनती हैं तो आप ये ले ही लो, क्योंकि ना इसका फैब्रिक भी ऐसा नहीं है कि बहुत फूलेगा, बिल्कुल चिपक जाने वाला बॉडी से। अब मैंने साड़ी का एक राउंड ले लिया है और अब मैं अपने पल्लू के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ कि मुझे कितना पल्लू चाहिए। ये मेजरमेंट आप अपने हाथ से लेते हो, लेकिन अगर आप सिंपली इस तरीके से डाल लोगे आप ये वाला पल्लू तो ये अंदाजा नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बाद में वो पल्लू छोटा लगने लग जाता है। क्या करो आप कि इसको पल्लू को लेकर और बिल्कुल रफ सी प्लीट्स बना लो जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से हाथ से मतलब प्रेस करके, क्योंकि कॉटन की साड़ी और कोरी साड़ी है ये, फिर ना अपने नी से भी नीचे का पल्लू मतलब आपको लेना है। पल्लू बाद में बहुत छोटा हो जाता है, मतलब नी से मैं तो कहूंगी और भी नीचे ले लो, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, मतलब नी से नीचे लिया था लेकिन तब भी वो बाद में थोड़ा सा मुझे छोटा लगने लगा था। तो बहुत मेन मेजरमेंट आपको लेने हैं, लेफ्ट साइड का कपड़ा उठाओ, राइट साइड की जो प्रिंसेस लाइन होती है वहां तक का मेजर करके उसको साइड में टक कर लो। आपको राइट साइड भी सेम करना है, वही लेफ्ट साइड की प्रिंसेस लाइन तक का आपको कपड़ा मेजर करना है, इसके बाद वापस उसको उसी जगह पे टक कर देना है। जो सेंटर में हमें कपड़ा बच रहा है, मेरी साड़ी बहुत बड़ी इसलिए मुझे बहुत सारा कपड़ा बचा है। कई सारे लोग साड़ी बहुत छोटी होती है, मतलब 2 या 3 ही प्लीट बन पाती है, तो जितना कपड़ा बचा है उसके अकॉर्डिंग प्लीट्स बनाना स्टार्ट करनी है। अब प्लीट्स बनाने का भी एक मेजरमेंट बताती हूँ। सबसे पहली प्लीट आपको कुछ इतनी बड़ी लेनी है जितने हमारा एक ब्लास्ट होता है, मैंने आपको वो नाप के दिखाया था। इसके बाद जो सेकंड नंबर की है जो भी प्लीट्स आएंगी वो उससे छोटी होनी चाहिए, वो वैसे भी अंदर जानी है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप बहुत छोटी छोटी 2-3 प्लीट्स बना लो, क्योंकि कम से कम 4 प्लीट्स की साड़ी तो हो। मेरी साड़ी इतनी बड़ी थी कि मतलब बनाते चली रही थी लेकिन वो कम नहीं हो रही थी, बहुत बड़ी साड़ी थी मेरी। लेकिन आराम आराम से प्लीट्स बनाते जाएंगे, लास्ट में अगर कुछ कपड़ा आपको कम ज्यादा लग रहा है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद सारी प्लीट्स को एक बार पूरी एक ही जगह पे, क्योंकि कॉटन की साड़ी है, मैंने जानबूझ के थोड़ी सी ऐसी टफ वाली साड़ी ली, तो उसको पूरे को सबको सही करके इसके बाद मैंने बाहर के बाहर ही पिन लगा दी है। बाहर पिन मैंने इसलिए लगाई क्योंकि बची हुई साड़ी को, देखो मैंने बाहर पिन लगा दी है क्योंकि ये जो अपन ने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ये किस काम आने वाला वो बता रही हूँ। तो ये जो मैंने इधर का कपड़ा छोड़ा था इसको मैंने कुछ इस तरह से तिरछा ले जाकर, ताकि इससे कमर का जो शेप होता है वो बहुत प्यार आता है। तो यहाँ पे कहीं पे आप इसको टक कर दोगे, चाहो तो कई सारे लोग पिन से सिक्योर करते हैं, लेकिन कहूंगी आपको कि अगर अभी आप नए नए हो बिगिनर हो तो पिन ज्यादा यूज मत करना, साड़ी बहुत जल्दी फट जाती है। अब जो हमारी बेली बटन होता है उसके ठीक सेंटर में हमें ये टक करना है सारी प्लेट्स, ना इसको लेफ्ट साइड टक करना है, बहुत सारे लोग लेफ्ट तरफ या बहुत सारे लोग राइट साइड टक कर लेते हैं, इसको बिल्कुल ठीक सेंटर में टक कर लो, बस हमारी साड़ी यहाँ पे रेडी है। कई सारे लोगों से ये इशू रहता है कि लेफ्ट साइड उनको थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा बच जाता है तो साड़ी का पूरा लुक खराब कर देता है, समझ में नहीं आता इसको कहाँ पे ले जाए कैसे टक करें, मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले तो अपन ने ये सब कर लिया है, अब मैं आपको इधर से दिखा रही हूँ। पहले ना मैं इधर से हाथ ले जाऊंगी अंदर, ये हाथ पूरा अच्छे से आपका अंदर चले जाता है। अब इसके बाद आप इस ये जो साड़ी का ये जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा इधर खींच के थोड़ा सा इसको टाइट कर दो। यहाँ पे आप नॉट बांध सकते हैं, कई लोग यहाँ पे पिन भी लगाते हैं, अगेन मैं आपको पिन यूज करने के लिए मना करूंगी, यहाँ पे आप नॉट बांध दो। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है, लोगों का अक्सर एक्स्ट्रा लटका रहता है, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करो, उठा के ऐसे के ऐसे ले जाओ और जो हमारा पेटीकोट है उसमें टक करते चले जाओ, पूरे एंड तक करना है। मतलब आप राइट साइड आ जाओगे, इस साइड से लेके राइट साइड तक आ जाओगे तब तक आपको टक करते जाना है। डोंट वरी, ये बिल्कुल खराब नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा जो है अंदर की साइड टक होगा, इसके ऊपर से वैसे भी हमारा जो पल्लू वाला पार्ट है, पल्लू वाला बॉर्डर है वो आ जाएगा। देखो मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये पूरा मैंने अंदर टक कर दिया, अब ये पल्लू वाला पार्ट आया हमारा, ये सामने से खींच के पल्लू लिया और ये हमारा पल्लू वाला बॉर्डर आया। इस तरह पहनने से आपकी साड़ी के जो लोअर प्लीट्स का लुक है वो बिल्कुल क्लीन आएगा, बहुत प्यारा लगेगा। कई सारे लोग फ्री पल्लू में साड़ी पहन लेते हैं तो ये यहाँ
यहाँ पे तो मेरी साड़ी रेडी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये ट्यूटोरियल ही है, मैं अब इस पल्लू को भी ड्रेप करना बताऊंगी, पिनअप करना बताऊंगी, इसकी प्रॉपर प्लीटिंग बताऊंगी। मैंने एक काम और करा है, जो मैंने अंदर पिन लगाई थी, अगर आपको याद हो मैंने अंदर एक पिन लगाई थी प्लीट्स, मैंने ना वो पिन निकाल कर और उसके बाहर ये बॉर्डर को थोड़ा सा नीचे करके सब कुछ एडजस्ट करके ये पिन को बाहर से लगा दिया है। मेरी साड़ी में थोड़ा सल आने लग गए हैं, क्योंकि कॉटन की साड़ी, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, शायद मैंने या तो गलत साड़ी चूज कर ली है, पता नहीं, जो भी हो, लेकिन हाँ थोड़े से सल आने लग गए थे उसमें, और उसको हाथ से प्रेस करते चले जाओ बार बार, है ना। जो हमारे शोल्डर प्लीट्स का रूल है वो भी सेम होता है, सबसे फर्स्ट प्लीट थोड़ी बड़ी होती है, इसके बाद इससे छोटी होती है, और बस बैक टू बैक हम सारी प्लीट्स बना लेंगे। अक्सर ऐसा होता है, या तो कपड़ा थोड़ा ज्यादा बसता है या थोड़ा सा कम बसता है, कई सारी साड़ियां ऐसी होती है जिनमें बॉर्डर, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका बॉर्डर कैसे साड़ी का, आपको अपने हिसाब से करते करते आइडिया लग जाएगा। बस ये ध्यान रखना सबसे पहली जो प्लीट होती है सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अपने हाथ से, बार बार एक एक प्लीट बनाएंगे और फिर वापस से प्लेस करेंगे। ये आप बार बार करना, सिर्फ शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ियां ऐसी होती है जिनमें आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको पहनने का उपद्रव बहुत अलग होता है। शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियां जो होती है फ्री पल्लू में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप उनकी प्लीट्स बनाने खड़े हो गए तो आपको मजे आ जाने, मतलब ऐसे प्लीट्स बनती बहुत ही मुश्किल से बनती है। तो अभी आपको एक एक प्लेट बना के फिर उसकी प्रेस करते गए, ऐसे कर करके आपने पूरी प्लेट्स बना ली और ये बस अपने शोल्डर पे टक कर दिया है, पिनअप कर दिया है, और शोल्डर पे ना थोड़ा पीछे हाथ करके पिनअप करना, जिससे जब आप सिर पे पल्लू लोगे ना तो वो जो गोपी बहू वाला जो लुक आता है वो वैसा वाला लुक आएगा। इसके अलावा जो इसका फर्स्ट बॉर्डर है उसको भी अगर आप चाहें थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, मैंने वो नहीं बताया क्योंकि रेगुलर में लड़कियां ऐसे, मतलब मैं भी नहीं करती हूँ, रेगुलर में लड़कियां बहुत ज्यादा, अब कौन ही वो चौकुंडा सा पल्ला डालता होगा, मुझे नहीं लगता आपको डालता होगा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो मैंने कितना लंबा पल्लू लिया था, लेकिन तब भी वो पल्लू छोटा सा लग रहा है मुझे, और मैं ये लुक दिखा रही हूँ आपको फाइनल, मेरा सामने से, मेरा पीछे से। साड़ी का लुक बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा है। कई सारे लोग मुझे इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए भी पूछते हैं आप साड़ी कैसे पहनते हो, तो लो मैं ऐसे साड़ी पहनती हूँ। साड़ी मेरी अमेजन की है, ब्लाउज मेरा खुद का स्टिच करवाया हुआ है, इसकी डिटेल सब कुछ आपको इससे पहले के वीडियो मिल चुका होगा। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं मंगलवार के दिन। से पहले अगर मंगल वाले वीडियो की अपडेट चाहते हो तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, पियाली राजावत मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और हैप्पी सावन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।